हेलो, दिस इज़ फिजिक्स विद स्वप्निल। तो आप देख रहे हैं आज का टॉपिक क्या है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। एक्चुअली जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म डिस्कस करेंगे क्लास 12 के मद्देनज़र। ओके, तो मान लीजिए ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब क्या है, इक्वल स्पेसिंग है और डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है। और आपको पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल निकालना है। दो पॉइंट हैं ए और बी, जिनकी दूरी जो है वो आर है। वो क्या दूरी है, आर। आपको ये पोटेंशियल निकालना है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है। तो हमने इसके पहले जो लेक्चर्स थे उसमें आपको सिखाया है कि जो चेंज इन पोटेंशियल है वो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन इनिशियल टू फाइनल। और ये होता था माइनस क्यू इंटीग्रेशन इनिशियल टू फाइनल ई डॉट डी आर, ये हम लिख सकते थे। ठीक है, क्यू नहीं आएगा, क्यू हट जाएगा क्योंकि डब्ल्यू में आता है, तो ये हम लिख सकते थे माइनस। अब क्या है कि अगर हम डी वी की बात करें तो ये आता है माइनस ई डॉट डी आर, और इसी का इंटीग्रेशन कर दे तो ये आ जाएगा, है ना, ऊपर वाला रिजल्ट आ जाएगा जब इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हम इस रिजल्ट को देखते हैं, डी वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। अब ई डॉट डी आर जो होता है, आर जो हमारा है वो हमारा ये है, आर हमारा ये है और ई हमारा ये है। तो हमारा जो ई डॉट डी आर हो जाएगा वो हो जाएगा ई डी आर कॉस थीटा। ये मान लो थीटा है, ठीक है। तो हम बहुत अच्छे जानते हैं ये अगर r है, ये थीटा है, जो पास है वो कॉस होता है, r के पास में ये है, तो ये क्या होगा, r कॉस थीटा। और मान लेते हैं ये डिस्टेंस d है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा डी आर कॉस थीटा, है ना, ये हो जाएगा हमारा डी आर कॉस थीटा। इंटीग्रेट करते रहेंगे तो r कॉस थीटा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो हमारा जो डेल v हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस ई आर कॉस थीटा, और यही जो आर कॉस थीटा है वो क्या है, डी। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, और इस रिजल्ट से हमें बहुत चीज़ सीखने को मिलती है। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी बी माइनस वी ए है, वो क्या है, वो है हमारा माइनस ई इंटू डी। देखिए पॉइंट हमारा ये है, ए बी है। तो हमें क्या सीखने को मिला, मेन चीज़ हमें सीखने को मिली कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही डिस्टेंस लेना है। देखो ये जो डिस्टेंस थी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हमारा वी बी माइनस वी ए है और इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स है, तो डिस्टेंस भी क्या होगा, डी एक्स होगा, ठीक है, मतलब एक्स हो जाएगा, है ना, डी एक्स का क्या हो जाएगा, हमारा एक्स हो जाएगा, है ना। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में आपको लेना है, क्योंकि r cos थीटा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही आ जाता है। और माइनस साइन का बहुत इंपॉर्टेंट है। इस माइनस साइन का मतलब क्या होता है कि इफ, तो पहला पॉइंट हम लिख देते हैं, पहला पॉइंट जो हमें सीखना है कि डिस्टेंस is always along the direction of electric। तो पॉइंट क्या था कि पहला पॉइंट क्या था, डिस्टेंस शुड बी along इलेक्ट्रिक फील्ड। डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपका पॉइंट ए है और ये बी है, ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस दी गई है आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग जो डिस्टेंस दी गई है वो दी गई है डी, ठीक है। तो हमारा जो चेंज इन पोटेंशियल आएगा या वो आएगा ई डी, ना कि ई आर, ठीक है। ई आर क्यों लेते हैं, ए और बी के बीच की डिस्टेंस नहीं लेते, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग कितनी उनकी डिस्टेंस आ रही है। मान लो यहाँ पे हम लाइट डालते तो इस लाइन का जो प्रोजेक्शन होता
वो ये होता, डी होता, ठीक है। अब सेकेंड, अगर मान लीजिए पॉइंट वन यहाँ होता, पॉइंट टू यहाँ होता और रिएक्टिव फील्ड ये, और इनकी दूरी आर ऐसी है, तो अब बताइए चेंजिंग पोटेंशियल क्या होता। तो चेंजिंग पोटेंशियल होता जीरो। क्यों होता? कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस ही नहीं है वन और टू की, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर, उसके अलाउंग होनी चाहिए कोई ना कोई डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता इसके लिए? जीरो होता, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाते हैं तो चेंजिंग पोटेंशियल क्या होता है? सेम। मतलब यहाँ का पोटेंशियल अगर इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वी ए इक्वल टू वी बी हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड क्या है? पोटेंशियल डिक्रीजेस इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। जैसे ऊपर वाले डायग्राम में, इस डायग्राम में क्या है कि जो वी बी है वो लेस है वी ए से, ठीक है। वी बी क्या है? वी बी के लुक कम है क्योंकि इलेक्ट्रिक डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो ए पहले बढ़ रहा है, पी बाद में पड़ रहा है, तो वी बी क्या होगा? छोटा होगा वी ए से। क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है? माइनस ई डी, ठीक है, जहाँ पे डी क्या होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम ई डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये निगेटिव आ रहा है, मतलब चेंज पोटेंशियल में निगेटिव आएगा। चेंज पोटेंशियल निगेटिव आएगा मतलब पहला वाला पोटेंशियल बड़ा होगा और बाद वाला पोटेंशियल क्या होगा? हमारा छोटा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की आप डायरेक्शन में जाते हो तो पोटेंशियल क्या करता है? डिक्रीज करता है, ओके? अब तो ये जो रिलेशन हो गया, ये हमारा हो गया, अगर हमें ई पता है तो हम वी कैसे निकाल सकते हैं। और अगर इसी में अगर हमें V दिया और E निकालना हो तो हम जानते हैं dV इक्वल टू क्या होता है? माइनस E dx होता है। तो dV बाय dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस E। फॉर एग्जांपल अगर V दिया गया है 5x स्क्वायर प्लस 5 दिया गया है, तो dV बाय dx आ जाएगा d बाय dx 5x स्क्वायर प्लस 5, तो ये हो जाएगा d बाय dx 5x स्क्वायर, और उसको भी मिल जाएगा d बाय dx, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 5। अब इन डी बाय डी एक्स, एक्स की पावर एन होता है, एन एक्स एन माइनस वन, तो ये भी हो जाएगा हमारा 5, कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और कॉन्स्टेंट क्या होता है? 0, तो ये हो जाएगा 10x विद नेगेटिव साइन। तो ये